खरगोन जिला मुख्यालय में बीते 48 घंटों से हो रही लगातार बारिश के चलते एक मकान गिर गया। घटना के वक्त मकान में करीब 9 लोग मौजूद थे, जिन्होंने बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। खरगोन में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत और मुसीबत लेकर आ रही है। खरगोन में 2 दिनों में करीब 5 इंच बारिश होने से जनजीवन पर भी इसका विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते खरगोन के औरंगपुरा इलाके में एक मकान धराशाही हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मकान में रह रहे मुकेश सालवे ने बताया कि खरगोन में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते उनका मकान अचानक भरभराकर गिर गया। उस वक्त घर में बुजुर्ग पिता सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान वे बाल बाल बच गए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 12 बजे के बाद 12 बजे क्या कर रहे थे आप घर में? ये खाना बना रहे थे, तो पहले जरा सा पोपरा निकला और एकदम से पूरा बदल गया। तो मम्मी पापा भी बच गए ना, बच्चे बच गए हमारे, और बाकी की खरोची है। मैं एकदम से आया। कितने जने घर में? हम 9, मेरे 3 लड़के हैं, ऋषि, रिंकू, सिद्धांत। मिसेस का नाम संगीता है, पापा का नाम इमराज है, मेरा बड़े भैया का नाम राजेश सालवे और मम्मी का नाम मधु। और परिवार नहीं? हाँ है ना, उनके 2 लड़के हैं और उनकी मिसेस का, उसका एक विवेक, एक वासु और उनकी मिसेस का नाम रीना। कारण का जैसे गिरी एक दीवार, ये अपार्टमेंट सर पूरा बदल गया बारिश की वजह से। हाँ, टूटा फूटा है नहीं तो ये सब फर्सी, दरवाजे, खिड़की सब खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मुकेश सालवे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।